रामपुर की सैफनी नगर पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पहली मर्तबा यहां नगर पंचायत के चुनाव होना है और समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए फैजान खां को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। सीधे उनसे बात कर लेते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। जी फैजान जी, जनता से आप रूबरू हो रहे होंगे, तो क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं इस पर? मुद्दे तो देखिए काफ़ी सारे हैं। फिलहाल जो बड़े मुद्दे हैं वो शिक्षा है और पानी की व्यवस्था है, सड़कें हैं, बिजली व्यवस्था है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। क्या समस्याएं रही हैं ज़्यादा यहाँ की, जो अब तक बनी चली आ रही हैं, पहले किसी ने काम नहीं किया? देखिए समस्याएं यहाँ पर जो रोड्स की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, यहाँ सरकारी चिकित्सा की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। मुद्दे बहुत सारे हैं। यहाँ लाइट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि यहाँ पर सबसे पहले एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज बने, जिससे कि जो बाहर पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं, परेशान होती हैं, वो अपने घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकें। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो बाहर जा ही नहीं पाती क्योंकि उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अगर यहाँ कॉलेज डिग्री कॉलेज होगा तो वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ लाइट की बहुत समस्या है, लाइट बहुत कम रहती है। कोशिश ये रहेगी कि लाइट की जो टाइम है वो बढ़वाया जाए और जो बिजली का ट्रांसफार्मर और ये व्यवस्था है लाइन की वो ठीक करी आए। आए दिन यहाँ फॉल्ट होते रहते हैं। तीसरा, रोड्स यहाँ बहुत बदहाल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है रोड्स की। चौथा जो मुद्दा यहाँ पर है वो एक सरकारी मैरिज हॉल यहाँ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोई मैरिज हॉल नहीं है, जिससे कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के आवाम को बहुत परेशानी होती है। मैं ये चाहता हूँ कि जो गरीब आवाम है वो भी अपनी शादी एक बड़े मैरिज हॉल में धूमधाम से कर सके, गरीब परिवार को भी उसका लाभ मिले। जो यहाँ के भरे भूरे परिवार, अमीर परिवार हैं, वो तो अपना प्रोग्राम आसपास के इलाकों में कर लेते हैं, पर गरीब इससे वंचित रह जाता है। तो ये गरीबों के लिए एक बहुत अच्छा, और एक अहम बात, यहाँ पर एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। यहाँ युवाओं में बहुत जोश है खेल को लेकर, उससे भी ज़्यादा जोश है आर्मी और पुलिस में भर्ती को लेकर। वो युवा जब भर्ती को लेकर सोचते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कोई अच्छा मैदान नहीं मिलता, वो सड़कों पर दौड़ते हैं, इससे उनकी जान को ख़तरा भी बनता है। उस तरीके की मेहनत और प्रैक्टिस वो कर भी नहीं पाते। कुछ युवाओं में या बहुत युवाओं में अक्सर खेल को लेकर भी बहुत जोश है, कुछ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कुछ फुटबॉल, पर ग्राउंड ना होने की वजह से बेचारे इस सबसे वंचित रह जाते हैं। तो प्राथमिकताएँ आपकी सबसे पहले क्या रहेंगी, कि किन चीज़ों को पहले कराएंगे आप? सबसे पहले तीन चार चीज़ें प्राथमिकता रहेगी, बिजली, शिक्षा, खेल का मैदान, मैरिज हॉल, सड़कें। और यहाँ कब्रिस्तानों की भी हालत थोड़ी ख़राब है, और जगह से किसी भी कब्रिस्तान में यहाँ बाउंड्री नहीं है। और जो हमारे हिंदू भाइयों का शमशान घाट होता है उसकी व्यवस्था भी यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। जब वहाँ बारिश पड़ती है या मौसम ख़राब होता है और जब किसी की डेथ होती है तो उनको सर छुपाने के लिए एक साया उनके पास नहीं है। यहाँ पे एक शमशान घाट बहुत बड़े लेवल पर, एक बड़ा, क्योंकि यहाँ आसपास के गांव भी इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी ये समस्या आती है, वो भी यहाँ आते हैं जब डेथ होती है फ्यूनरल के लिए, वो भी यहाँ आते हैं, तो उन्हें भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप ग्राउंड में निकलेंगे और पूछेंगे तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा है कि यहाँ शमशान घाट होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जनता के बीच भी जा रहे होंगे, तो जनता से क्या मुद्दे रख रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर, कि सबसे पहले आप क्या क्या करवाने वाले? जनता के बीच में जा रहा हूँ, तभी मैंने आपको बताया ये मुद्दे यहाँ चल रहे हैं। और बाकी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हमारे बुनकर भाई रहते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, ज़िले में जाएंगे तो वो आपको सैफनी का नाम बता देगा। अगर आप उससे पहचान पूछेंगे तो बोलेगा कि यहाँ दरी चादर का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब वो सीज़न आता है तो लगभग हिंदुस्तान के हर राज्य, हर ज़िले में हमारे बुनकर भाई वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ अपनी दुकान लगाते हैं, बहुत मेहनत से वो काम करते हैं। उन्होंने सैफनी का नाम रोशन किया है। बुनकर, सैफनी और बुनकर एक दूसरे के मतलब पहचान है, और आप कहीं भी पूछेंगे तो कोई बता देगा हाँ सैफनी में सबसे बड़ा कारोबार हमारे बुनकर भाइयों का है, और बहुत मेहनत से उन्होंने सैफनी का नाम रोशन किया है। और हमें गर्व भी होता है इस बात का कि हम भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं और हम बोलते हैं कि हम सैफनी से आए हैं, उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के, तो वो एकदम पहचान लेते हैं कि हाँ ये वही सैफनी है जहाँ दरी चादरों का बहुत बड़ा काम है, तो खुशी मिलती है। देश में, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या आपको स्वीकार करेगी यहाँ की जनता? देखिए ये चुनाव लोकल मुद्दों का चुनाव है, ये चुनाव
इसमें कोई सरकार तो नहीं बन रही। लोकल मुद्दों का ये चुनाव है, जो ज़मीन पर रहकर ग्राउंड पर रहकर काम करेगा और जिसने पिछले 5 सालों में काम किया होगा, जनता उसको अपना वोट देगी। ये मेरे या किसी का, सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ पर समाजवादी का और माननीय मोहम्मद आजम खान साहब का बहुत वर्चस्व है। आपको पता भी होगा इस ज़िले में, क्या उत्तर प्रदेश में भी हमारे माननीय मोहम्मद आजम खान साहब किस लेवल के लीडर हैं। तो यहाँ तो उनके नाम से वोट मिलता है अगर आप पार्टी की बात करते हैं तो। बाकी मेहनत हम लोगों को करनी है। 5 साल से मैं लगभग ग्राउंड में हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुना है, उनके लिए आवाज़ उठाई है, उनके कांधे से कांधा मिलाकर चला हूँ। और कोई भी अगर सरकारी योजना भी आती है तो मैं प्रयास करता हूँ सरकार के लेवल से कि आम गरीब मानस तक वो सरकारी सुविधा उन तक पहुँच जाए। अच्छा, आप युवा हैं और आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की, क्या ये पहला चुनाव है क्या? इससे पहले सन 2012 में मैं महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज मुरादाबाद से छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने मुझे वहाँ भी अपना समर्थन दिया था। उसके बाद मैं महानगर अध्यक्ष भी रहा छात्र सभा का, और मैं माननीय मंत्री जी आजम खान साहब से जुड़ा हूँ शुरू से ही, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हूँ। उनके कामों को देख के मुझे हौसला मिलता है, मैं देखता हूँ कि वो कितने अच्छे काम करते हैं, शिक्षा में कितना योगदान उन्होंने दिया है ये पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है। शिक्षा को लेकर वो कितने सीरियस रहते हैं, कितना बलिदान दिया है उन्होंने शिक्षा को लेकर, ये इससे पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है। आज़म खान साहब की बात कर रहे हैं आप, तो क्या आज़म खान साहब यहाँ पर चुनावी प्रचार करने आएंगे? मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद आज़म खान साहब 29 तारीख को यहाँ आ सकते हैं, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं कह सकता क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी वो सर गंगाराम में भर्ती हुए थे, कुछ ही दिन पहले आए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी मुझे उम्मीद है कि माननीय विधायक अब्दुल्ला आजम खान साहब और माननीय मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब सेफ नहीं आ सकते हैं। अगर वो सेफ नहीं आ जाते हैं तो आप ये देखना कि जनता का कितना बड़ा हुजूम उनके पीछे रहेगा, लोग उनके दीवाने हैं। किस तरीके के काबिल लीडर मोहम्मद आजम खान साहब हैं, मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में उनके जैसे बोलने वाला, शिक्षा में शिक्षा को आगे बढ़ाने वाला लीडर, उनके जैसे ईमानदार बेदाग इंसान और लीडर पूरे हिंदुस्तान में मुझे नहीं मानता कोई है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे फैज़ान, जिन्होंने बताया कि इस बार नगर पंचायत सैफनी में वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अगर वो जीतते हैं तो सबसे पहले किस तरीके के विकास कार्य कराएंगे। एबीपी गंगा के लिए मैं रविशंकर, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।